जनजाति सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, गोंडवाना परिक्षेत्र की धरती पर आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। शायद मैं अपनी प्रसन्नता के भाव आप तक न पहुंचा सकूं, लेकिन मैं अभी प्रहलाद सिंह जी से पूछ रहा था कि यहां का जब कार्यक्रम बना था तो उसके लिए कितना समय हुआ। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति भवन में आपसे मिलने कुछ चर्चा करने आया था 6 महीने पहले, लगभग पिछले वर्ष अक्टूबर में, और किसी दूसरे कार्यक्रम के संबंध में। मैंने अपनी ओर से उनको सुझाव दिया कि प्रहलाद सिंह जी, एक मेरे कार्यक्रम जबलपुर में एक आयोजित होने की एक संभावना बन रही है और वो कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा। बड़ा इसलिए कि संविधान की जो एक प्रमुख अंग होता है न्यायपालिका, उस न्यायपालिका से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेज इकट्ठे होंगे, हाई कोर्ट के जजेज होंगे, पूरी मध्य प्रदेश की न्यायपालिका वहाँ होगी। तो मैंने कहा कि आपका क्षेत्र भी, जो मुझे जानकारी में कभी आया नहीं, दमोह क्षेत्र में, मैंने पूछा कि कितना दूर है, तो उन्होंने कहा कि जबलपुर से बिल्कुल सटा हुआ हमारा जिला। तो मैंने कहा कि मैंने सुना है और आपने भी पहले मुझे बताया था कि आपका दमोह जिला मूल रूप से आर्थिक दृष्टि से, प्राकृतिक रिसोर्सेस की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें बाहुल्य रूप से जनजातीय वर्ग हमारा निवास करता है। तो मैंने कहा कि यदि कार्यक्रम बन सके तो आप जरूर बनाइए। और जिस देवी, मैं उसको देवी कहता हूं, रानी दुर्गावती, उस दुर्गावती के बारे में मैंने सुना जरूर था, लेकिन मैं बार बार सोचता था जब इन्होंने, प्रहलाद सिंह जी ने कहा कि महामहिम, उसका साम्राज्य और उसका किला मेरे दमोह क्षेत्र में ही पड़ता है, तो मैंने इनको एक बात कही थी कि प्रहलाद सिंह जी, जब मैं न्यायपालिका के बीच में जाकर के देश के लोगों को कैसे न्याय मिल सके उसकी चर्चा करूंगा, और देश का जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र हो, सामाजिक दृष्टि से समाज का जो सबसे पीछे अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अर्थात हमारे ट्राइबल्स भाई, जनजाति वर्ग, यदि उन सबके न्याय की हम बात ना कर सके तो मेरा राष्ट्रपति पद पर रहने का बहुत औचित्य नहीं बनता। प्रहलाद सिंह जी बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था कि महामहिम में आपने स्वयं ये प्रस्ताव दिया है, मैं न केवल अपनी ओर से बल्कि दमोह की जनता की ओर से मैं बहुत बहुत आभारी हूं,
मैंने कहा आप आभारी मत होइए, सही मायने में मैं आपका आभारी हूं कि इसी बहाने मुझे अपने जनजाति भाइयों के बीच में और रानी दुर्गावती को प्रणाम करने का एक अवसर मिल रहा है। देवी और सज्जनों, इस भूमिका के साथ हम सब लोग जानते हैं कि जब सुशासन की बात होती है, गुड गवर्नेंस की बात होती है, तो हम अपने स्वर्गीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और सबसे बड़ी बात वो मध्य प्रदेश में ही जन्मे थे, आज मुझे उनका विशेष स्मरण हो रहा है। स्मरण इस दृष्टि से कि वो जब प्रधानमंत्री थे तो ये देश के सरकारों की जो व्यवस्था बनी है उसमें ये पहला मौका था कि उन्होंने भारत सरकार में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। ये पहली बार हुआ था और उसके पीछे उनका भाव ये था कि जब हम समाज के सभी वर्गों के उनकी भावना की कद्र करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, तो जो समाज का सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, जनजाति व्यक्ति, वो पीछे छूट जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जनजाति ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर मिनिस्ट्री बनेगी तो उसका उद्देश्य केवल और केवल जनजातियों के विकास के लिए ही काम करना होगा। मुझे आज प्रसन्नता है कि अटल जी की सोच के अनुसार ये मंत्रालय न केवल भारत सरकार का बल्कि सभी प्रदेशों में भी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। नवंबर 2017 में अपनी मैं मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान मुझे बुंदेलखंड की वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सुअवसर भी मिला था। आज मुझे बेहद प्रसन्नता इस बात की है कि आज मुझे रानी दुर्गावती की तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, राष्ट्रपति का संबोधन होता हुआ और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम तय हुआ, प्रहलाद पटेल से उनकी बातचीत हो रही थी, जनजातीय समुदाय के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरा विस्तार से सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बताया कि किस तरीके से प्रहलाद पटेल से उनकी बातचीत हो रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन इससे पहले हुआ, इस दौरान उन्होंने सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनका जिक्र किया और अब राष्ट्रपति का संबोधन चल रहा था जिसमें राष्ट्रपति ने तमाम बातें रखी अपनी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान किस तरीके से एक ऐसा मंत्रालय बनाने की बातचीत चली जो केवल जनजातीय मामलों को ही देखे और विकास हो सके इस वर्ग का, पृष्ठभूमि क्या रही इस कार्यक्रम की उसका भी जिक्र हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से। प्रहलाद पटेल से उनकी बातचीत हुई इस कार्यक्रम को लेकर क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे एक जजों के कार्यक्रम में शिरकत करना है और मैं चाहता हूं कि दमोह का भी दौरा मेरा रहे, राज्य स्तरीय ये जनजातीय कार्यक्रम था और इस दौरान कई और राष्ट्रपति का संबोधन का एक बार फिर से रुक करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे एक चीज जो मैं निष्कर्ष मैंने निकाला कि प्रतिभा जो होती है वो किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी समुदाय तक सीमित नहीं होती है। प्रतिभा प्रतिभा होती है और हर इंसान में प्रतिभा होती है। आज जिन चार बच्चों को सम्मानित किया गया मंच पर, मैं उनके भविष्य की सुखद कामना करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं ये चार बच्चों का तो केवल एक जिसको हम कहते हैं नमूना है। राज्य सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया है उसके पीछे उनकी भावना यही है कि जो
जो बच्चे मेरिट में अपनी प्रतिभा के कारण जो आगे आएंगे उनको न केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि सरकारी सेवाओं में अवसर भी मिलेगा। देवी और सज्जनों, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन, तो आज हमारी अमूल्य वन संपदा का और भी बड़े पैमाने पर दोहन हो चुका होता। इस प्रकार हमारे आदिवासी भाई बहनों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रहरी और रक्षक के रूप में अपना दायित्व निभाया है। विभिन्न जनजातीय समुदायों ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में गौरवशाली योगदान दिया। हमारे वे जनजातीय शहीद केवल स्थानीय रूप से ही नहीं पूजे जाते हैं बल्कि पूरे देश में उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर गाथाओं को संरक्षित करने एवं आम जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा में भी एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। यदि हम देखें कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की देश में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी आपके मध्य प्रदेश में है, अतः मध्य प्रदेश में आयोजित ये जनजातीय सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस सम्मेलन में कला प्रशिक्षण हेतु वर्चुअल क्लास के पोर्टल का उद्घाटन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। ऐसे विशेष प्रयासों के बल पर जनजातीय युवाओं को टेक्नोलॉजी और कला साहित्य के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करके उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। जनजातीय समुदायों के तीज त्यौहार और मेले इतने आकर्षक होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय आनंद से भर उठता है। आज के कार्यक्रमों में हमारी समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली है। मैं सभी आयोजकों व कलाकारों को भी बधाई देता हूँ। देवी और सज्जनों, हम सबको ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आदिवासी समुदाय का कल्याण तथा विकास पूरे देश के कल्याण और विकास से जुड़ा हुआ है। और मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब तक देश के आदिवासी लोगों का और समाज का सबसे कमजोर वर्ग का विकास नहीं होगा तब तक पूरे देश के विकास को मैं अधूरा कहूँगा। और देश का विकास पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब तक देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, तब तक देश को समृद्धशाली और विकसित देश नहीं कहा जा सकता। ये हम सब जानते हैं, इसीलिए इसी सोच के साथ केंद्र और राज्य की सरकारें जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि इस प्रकार के न केवल सम्मेलन बल्कि जनजातियों का एक समुदाय वर्ग का एकत्रीकरण के कार्यक्रम वर्ष में हम 3 दिन तक लगातार इस क्षेत्र में चलाएंगे। देवी और सज्जनों, ये हम सब मध्य प्रदेश के निवासियों का सौभाग्य है कि श्रीमती आनंदी बहन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, जो अपने लंबे और प्रभावशाली जनसेवा के अनुभव के बल पर राज्य का कुशल मार्गदर्शन कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में समग्र विकास के साथ साथ जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनकी और राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूँ। आज भूमि पूजन द्वारा जिन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है तथा जिनका लोकार्पण किया गया है, उनके कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की रुचि बढ़ेगी तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे।
साथ ही जट जाति समुदायों की समृद्ध विरासत के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। इस परिक्षेत्र को नेशनल ट्राइबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रहलाद सिंह जी और मुख्यमंत्री जी, आप इस दिशा में प्रयास करें, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। इस क्षेत्र के समग्र विकास को बल प्रदान करने वाली इन योजनाओं के लिए मैं केंद्र सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और हमारे दूसरे राज्य मंत्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, मैं सभी की सराहना करता हूं। प्रहलाद सिंह जी के मंत्रालय के मार्गदर्शन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 6 नए मंडलों का सृजन किया गया है। इन नए मंडलों में जबलपुर मंडल भी शामिल है, जिसका आज ही शुभारंभ हुआ है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब भारत की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने तथा संवर्धित करने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आप सब चंबल व मालवा सहित मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल की सांस्कृतिक विरासत को विशेष पहचान दिलाने में भी अवश्य कामयाब होंगे। देवी और सज्जनों, आज जो यहाँ जनजाति सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे जनजाति भाई और बहन उपस्थित हैं, इन सब से हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जनजातीय समुदायों में एकता मूलक समाज को बनाए रखने पर हमेशा जोर दिया जाता है। उनमें स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं होता, इसलिए जनजातीय आबादी में हम सबने देखा होगा स्त्री और पुरुष अनुपात सामान्य आबादी से बेहतर है। जनजातीय समुदायों में व्यक्ति के स्थान पर समूह को प्राथमिकता दी जाती है, प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, उनकी जीवन शैली में प्रकृति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आदिवासी जीवन संस्कृति में सहजता होती है तथा परिश्रम का सम्मान होता है। यदि आपको मानवता की जड़ों से जुड़ना है तो आपको जनजातीय समुदायों के जीवन मूल्यों को अपनी जीवन शैली में लाने का प्रयास करना होगा। जनजातीय समुदायों में परंपरागत ज्ञान का अक्षय भंडार संचित है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में एक विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है, उसमें जो बैगा समुदाय के लोग परंपरागत औषधियों व चिकित्सा के विषय में बहुत जानकारी रखते हैं। प्रायः वे असाध्य रोगों का अचूक इलाज भी करते हैं। परंपरागत आयुर्वेदिक औषधियों के प्रसंस्करण एवं निर्माण की योजनाओं में जनजातीय समुदायों की भागीदारी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। आज मेड इन इंडिया के साथ साथ हैंड मेड इन इंडिया को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया जा रहा है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में हमारे जनजातीय भाई बहन अद्भुत कौशल के धनी हैं। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे उनके हस्तशिल्प के उत्पादों को अच्छी कीमत और व्यापक स्तर पर बाजार मिल सके। जनजातियों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रसारित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जबलपुर में स्थापित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, अमरकंटक में स्थित राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थान जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर पर उपयोगी अध्ययन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अध्ययनों का लाभ पूरे देश को मिलेगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम होता है, इसलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। सन 2017 में मुझे याद आता है कि अमरकंटक में स्थापित राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था
और मुझे उन उत्साही व प्रतिभावान विद्यार्थियों से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। और संयोग से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का भी उसमें मार्गदर्शन मिला था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मध्य प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन पर विशेष बल दिया जा रहा है। जनजातीय छात्राओं में साक्षरता और शिक्षा के प्रसार के लिए मध्य प्रदेश में कन्या शिक्षा परिसरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा इस योजना के तहत रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है। हमारी जनजातीय बहनों और बेटियों को ऐसी योजनाएं से मदद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि हमारे जनजातीय भाई बहनों को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का लाभ मिले और साथ ही उनकी जनजाति पहचान व अस्मिता भी अपने सहज रूप में बनी रहे। देवी और सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं पूरे विश्व में कल यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विश्व की सभी महिलाओं के महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होने का दिन है। आज से लगभग 450 वर्ष पहले रानी दुर्गावती ने युद्ध क्षेत्र में महिला शक्ति का एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज उस महान वीरांगता की स्मृति को नमन करते हुए मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर सभी बहनों और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का। उन्होंने उनकी कृपा, जमकर तारीफ की। शिवराज सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जनजातीय वर्गों के लिए, शौर्य स्थली में यहां संग्रामपुर में ये राज्य